हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रैक। फ्रेंड्स, अगर आप इस बार के ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में अभी हाल ही में जो रेलवे का एक आरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम हुआ था, जो कि 28 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चला, यानी 10 दिन तक चला, उसमें आए हुए सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, टोटल 30 शिफ्ट्स के ऑफिशियल आंसर के क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सिर्फ जीके सेक्शन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आंसर की है मेरे पास, आप वीडियो में आगे देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं। इनमें से दोस्तों बहुत सारे सवाल इस बार के ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये सेम टीसीएस कंपनी ही ये एग्जाम करवाने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा 800 पेज का ये पीडीएफ है, जिसमें कि 1700 से भी ज्यादा सवाल हैं। ये पूरा पीडीएफ को दोस्तों आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो कैसे डाउनलोड करना है मैं वीडियो के आगे बताऊंगा, इसलिए उसमें वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये एग्जाम हुआ था 31 मार्च 2019 को, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12:45 पे हुआ था। चलिए इसमें आए हुए जीके के सवाल सिर्फ डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ये मैथ का है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बर्ली चित्रकारी कहाँ उत्पन्न हुई थी। ओके, बर्ली चित्रकारी कहाँ उत्पन्न हुई थी, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में हुई थी। ओके, बर्ली पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जीके से, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। ओके, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कल्पना चावला। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त से अवशिष्ट पदार्थ को छानता है। ओके, कौन सा भाग करता है ये काम, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुर्दे, यानी किडनीज, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एक आसान सवाल पूछा गया था कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, सुमित्रा महाजन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, सुमित्रा महाजन लोकसभा के स्पीकर हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ओके, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में जो लाइक करें, टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का, उम्मीद करता हूं जल्द ही कर देंगे। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबाएं, जिससे कि दोस्तों आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बेस्ट कंटेंट यहां से आपको रोज मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये सवाल भी जीके से है, बंकर और चक्कर ये सब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बंकर और चक्कर दोस्तों इसका सही आंसर होगा पोलो। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके, पोलो खेल से संबंधित हैं ये दोनों सब। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं जीके से। नेक्स्ट, चिल्का झील जो भारत के खारे पानी के सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ओके, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, सही आंसर होगा दोस्तों ओडिशा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों वीडियो के आगे मैं जरूर बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आप कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पूरा 1.5 घंटा का वीडियो नहीं देख सकते तो दोस्तों इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको ₹20 पेमेंट करके इसको आप कम्प्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, दोनों में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ आपका आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए और भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे पीडीएफ बनाए हैं, जिसमें से दोस्तों एक है ग्रुप डी एग्जाम जो अभी हाल ही में हुआ था, उसके 135 शिफ्ट्स के ऑफिशियल आंसर की, और आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसी के भी 30 शिफ्ट्स के ऑफिशियल आंसर की, और एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम जो हुआ था उसी के भी सारे आंसर की, उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जो दोस्तों जनवरी महीने में हुआ था उसी के भी सारे आंसर की एक साथ आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें दोस्तों 70 शिफ्टों के ऑफिशियल आंसर की है, CBT 1 के साथ साथ CBT 2 का भी मिल जाएगा, और दोस्तों करंट अफेयर का पीडीएफ भी वहीं पर एक साथ आपको मिल जाएगा, और बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। सब मिलाकर के 10,000 क्वेश्चन है, 500 MB से भी ज्यादा डाटा का पीडीएफ है, ये सब मिलाकर के 30,000 क्वेश्चन है। इसको दोस्तों आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ ₹75 में, अगर आप सेपरेटली इनको डाउनलोड करेंगे तो ₹20-25 में आपको सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल माना जाएगा, इस सबको दोस्तों अगर आप एक बार पढ़ करके जाएंगे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 50 मार्क तो सिर्फ आपको इस पीडीएफ से ही मिल जाएगा। इसको दोस्तों किसी भी हाल में जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे क्लिक करके आप सबको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डेमो का फ्री का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, बड़ी मेहनत से आपके लिए कलेक्ट किया है। ओके, जरूर इसको बाय कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, रेलवे और यूनियन बजट का विलय कब से लागू हुआ।
सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 2017-18 से, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत सरकार के राज चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मौर्य वंश में से अपनाया गया था। ओके, इनमें से कौन सा चिन्ह मौर्य वंश में से अपनाया गया था। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 4 शेर, ओके यानी 4 लायंस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। ओके, आसान सवाल है, सही आंसर हो जाएगा अमृतसर में हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम इस पुस्तक के लेखक कौन है। ओके, इंडिया विंस फ्रीडम इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग, नेक्स्ट सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सृजित करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यटन, ओके टूरिज्म इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रमुख पहले एशियाई थे। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जगमोहन डालमिया, ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जगमोहन डालमिया थे। ओके, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रमुख पहले एशियाई थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। गोलकुंडा किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए सही आंसर क्या होगा। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पे स्थित है, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ये दोस्तों तेलंगाना में स्थित है। ओके, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किस चीज के लिए काम करने का परामर्श देता है। सही आंसर है दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन, ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके, यहाँ पर आंसर की दिया हुआ है, देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके दोस्तों, एक शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर जीके से कंप्लीट हो गए, चलिए और एक शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर अब डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम हुआ था 31 मार्च 2019 को, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 बजे हुआ था, 4 से 4:45 तक सिर्फ जीके का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस शिफ्ट का पहला जीके का सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ओके एनी बेसंत। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी, एनी बेसंत, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत में सिक्के निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिसंचरण के लिए जारी किए गए हैं। ओके, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। सही आंसर है ऑप्शन बी आरबीआई के द्वारा, ओके यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, असम में बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर क्या होगा बताइए, असम में बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन डी चाय का उत्पादन के लिए, ओके टी कल्टिवेशन के लिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ओके, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ओन ओलंपिक मेडल। सही आंसर है ऑप्शन ए कर्णम मलेश्वरी, ओके ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। ओके, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। ओके, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, सही आंसर है गैनीमेड, ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगर सवाल पूछा जाए कि ये किस ग्रह का उपग्रह है, तो दोस्तों ये जुपिटर यानी बृहस्पति का उपग्रह है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत ने 1975 में पुरुषों की हॉकी विश्व कप किसकी कप्तानी में जीता था। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन बी, ओके अजीत पाल सिंह, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है अजीत पाल सिंह। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ओके, इनमें से किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है, केरल पंजाब ओडिशा तमिलनाडु। सही आंसर है ऑप्शन ए केरल में मनाया जाता है ओणम का त्यौहार। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ये सवाल पूछा गया था, आरिफ अलवी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनका राष्ट्रपति को किसी भी हाल में रट करके जाएगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को, सवाल जरूर पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछा गया है, लोकसभा का इलेक्शन कितने साल में एक बार होता है। सही आंसर है 5 साल में एक बार होता है, ओके ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जी।
फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, ओके जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, आसान सवाल है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किससे संबंधित है, ओके दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किससे संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, फिल्म से यानी सिनेमा से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इनमें से किसको क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, ओके इनमें से किसको क्विक सिल्वर कहा जाता है, मर्कुरी को कहा जाता है यानी हिंदी में बोले तो पारा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, ओके कितना आसान सवाल है, गौतम बुद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, सबसे बड़ा तुलिप गार्डन, ओके एशिया का सबसे बड़ा तुलिप गार्डन कहाँ पे है, किस राज्य में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर, ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, ओके यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, सही आंसर है 1942 को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वाले पॉलिटिकल साइंस से, भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था किस संविधान से शामिल की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, निम्नलिखित चट्टानों में से किसको प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है, ओके इनमें से किसको प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ओके यानी इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टाने, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, ओके भांगड़ा दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, पंजाब का। ओके इंडियन प्रीमियर लीग निम्नलिखित में से कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, ओके आसान सवाल है, क्रिकेट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी चोल वंश के, ओके चोल वंश ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ओके इसका इंग्लिश वर्सन भी देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे मैथ के सवाल हैं, रीजनिंग के भी सवाल हैं, सभी को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस शहर को भारतीय फुटबॉल का मक्का के नाम से जाना जाता है, ओके इनमें से किस शहर को भारतीय फुटबॉल का मक्का के रूप में जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी कोलकाता, ओके ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफियां भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता में से है, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी डूरंड कप, ओके ये सबसे पुराना है, ओके ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, इंडिया गेट कहाँ पर है, ओके इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, न्यू दिल्ली में स्थित है, ओके ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया, ओके भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया, सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, भारत में कर्नाटक का किस शहर में विजयनगर साम्राज्य का महानता के स्मारक के रूप में खड़ा है, उस शहर का नाम क्या है, सही आंसर होगा दोस्तों हम्पी, ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इंग्लिश वर्सन भी देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कौन है, सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी शेख हसीना, ओके ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, हमारे संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ओके इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यानी नॉट ए फंडामेंटल राइट, से आंसर ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है, ओके इनमें से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है, से आंसर है ऑप्शन ए लकड़ी, ओके ऑप्शन ए लकड़ी यानी टिम्बर, से आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, पेनिसिलिन का खोज किसने की, ओके सही आंसर क्या होगा, पेनिसिलिन का खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान प्राप्त हुआ है, सही आंसर है दोस्तों मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करता है, ओके इनमें से कौन सा निकाय म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा सेबी, ओके इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सही आंसर होगा दोस्तों सेबी। नेक्स्ट सवाल लगते हैं ओके, और एक नए शिफ्ट के अब जीके के सवाल डिस्कस करेंगे, ये शिफ्ट कब का है दोस्तों, ये 29 मार्च को हुआ था एग्जाम,
पहला सवाल है दोस्तों, इनमें से किस शहर में चार मीनार स्थित है? ओके, इनमें से किस शहर में चार मीनार स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। महात्मा गांधी की जन्म कहाँ हुआ था? ओके, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को किस देश से अपनाया गया है? ओके, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किस खेल में पुटिंग शब्द का उपयोग किया जाता है? ओके, किस खेल में पुटिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोल्फ खेल में। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ऊंट अपने पेट में कितना पानी जमा सकता है? ओके, ऊंट अपने पेट में कितने पानी जमा कर सकता है? सही आंसर है दोस्तों, ये अपना पेट में पानी ही नहीं रखता, क्या रखता है दोस्तों? वो फैट रखता है, जिसको कि चर्बी कहते हैं। ओके, वो अपना पेट में पानी नहीं रखता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्दों में से सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगा? ये रीजनिंग का सवाल है। चाय का जैसे पत्ती हो रहा है, कॉफी का क्या? बीच होगा। ओके, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मैरी कॉम इंडिया रिसर्च के अनुसार भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 2018 में किसको पार कर गई है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 28 गीगावाट। यानी मैरी कॉम इंडिया रिसर्च के अनुसार भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 2018 में 28 गीगावाट को पार कर गई है। सही आंसर है ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शैली के चित्रकारी ओडिशा राज्य में लोकप्रिय है? ओके, इनमें से कौन सा शैली का चित्रकारी ओडिशा राज्य में प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, पटचित्र। ओके, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल इनमें से किस शहर में स्थित है? सही आंसर है कोलकाता में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? यानी दोस्तों इनमें से कौन इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ओके, निगम कर यानी कॉरपोरेशन टैक्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस भारतीय निशानेबाज ने दक्षिण कोरिया में 2018 IESSF विश्व चैंपियनशिप में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर है ऑप्शन डी, ओम प्रकाश मिथारोल। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, राज्यसभा की एक तिहाई सदस्य को कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं? सही आंसर होगा दोस्तों 6 वर्ष। ओके, सी ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? ओके, ऑप्शन में है छात्र, शिक्षक, खेल प्रशिक्षक और राष्ट्रीय चैंपियन। सही आंसर है दोस्तों खेल प्रशिक्षक यानी स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ओके, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, संसद, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किसका मापने के लिए किया जाता है? ओके, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग दोस्तों ऑप्शन डी, रक्तचाप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हवा में निम्नलिखित में से किस घटक का मात्रा अधिकतम है? ओके, इनमें से किस घटक का मात्रा सबसे अधिकतम है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। ओके, आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ऐतिहासिक भग्नावशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहाँ स्थित है? ओके, ये जो हम्पी शहर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कर्नाटका में स्थित है। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में स्थित है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में बहती है? ओके, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में बहती है? सही आंसर है नर्मदा नदी। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट वाला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं? सही आंसर है दोस्तों बाजू भाई रुदा भाई भाला। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके, इस शिफ्ट के सारे जीके के सवाल खत्म हो गए। चलिए और एक नया शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर अब डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम ही हुआ था दोस्तों 29 मार्च को 12 बजे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाओं की उद्देश्य मुख्य रूप से भारत में समावेशी विकास लाना है? ओके, सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, MG नरेगा। ओके, और साथ साथ स्वाभिमान, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, स्वाभिमान और MG नरेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट वाले पॉलिटिकल साइंस में से कौन सी वस्तु समवर्ती सूची में शामिल है? ओके, इनमें से कौन सी वस्तु शामिल है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ट्रेड यूनियन। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट वाले दोस्तों, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? ओके, ब्रिटेन का मुद्रा है दोस्तों पाउंड। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान किस शहर में स्थित है? ओके, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान किस शहर में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पुणे में स्थित है। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है पुणे किस राज्य में आता है। ओके, पुणे किस राज्य का एक शहर है, कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है दोस्तों 66। ओके, ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट वाले दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कोशिका अंगक के बिजली घर के रूप में कार्य करता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल के रूप में कौन कार्य करता है? माइटोकॉन्ड्रिया से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ओके, इट डिपेंड करता है जिस वक्त आप एग्जाम दे रहे हैं उसी टाइम पे एग्जाम के मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों सही आंसर इसका हो जाएगा प्रेमा खांडू। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट वाले दोस्तों, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? ओके, सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। ओके, हरियाणा में दोस्तों सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट वाले दोस्तों, फीफा 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, ये रूस में किया गया था, यानी रशिया में किया गया था। ओके, नेक्स्ट वाले दोस्तों, समय के संदर्भ में GMT क्या है? ओके दोस्तों, GMT क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत के पहले वाइसराय कौन थे? हु इज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को किस देश से लिए गए थे? सही आंसर क्या होगा? रूस देश से। ओके, रशिया से लिए गए थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को रशिया से लिए गए थे। नेक्स्ट वाले दोस्तों, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ओके, रंगास्वामी कप दोस्तों ऑप्शन डी, हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ओके, इनमें से किसके सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़? ओके, धूपगढ़। ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा श्रृंखला। ओके, ऑप्शन ए इसका से आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाईकनाल, ओके, कोडाईकनाल एक किस पर्वत में स्थित है? से आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पलानी पर्वत में। ओके, पलानी पर्वत में स्थित है। ऑप्शन सी इसका से आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? ओके, पानीपत थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? से आंसर है ऑप्शन सी। ओके, 1671 को हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ओके, इसको याद रख लीजिए, सवाल बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वाले दोस्तों, निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विपक्षीय विधानसभा नहीं है? ओके, इनमें से किस राज्यों में नहीं है? ऑप्शन डी इसका सी आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में नहीं है। ओके, नेक्स्ट वाले दोस्तों, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हर्ष। ओके, हर्ष ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान में धर्म निरपेक्ष शब्द किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? सही आंसर है दोस्तों 42। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ओके, ए शिफ्ट के भी सारे जी के सवाल खत्म हो गए। चलिए और एक नया शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। ओके दोस्तों, ये थर्ड शिफ्ट है, 29 मार्च का थर्ड शिफ्ट में आए हुए सवाल आप डिस्कस करने हम जा रहे हैं। नेक्स्ट पहला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होता है? ओके, इनमें से कौन सा बीमारी वायरस के कारण नहीं होता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बिसूचिका यानी कोलेरा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, TRAI एक नियामक संस्था है, ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, टेलीकॉम क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों TRAI का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, केको टिकली एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है, ये किस राज्य से है? ओके, सही आंसर क्या होगा बताइए, यानी केको टिकली एक किस
राज्य का लोक नृत्य है? से आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ओके, केरला से आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कोडेकनाल पहाड़ी इलाका कहाँ स्थित है? ओके, कोडेकनाल पहाड़ी इलाका ये कहाँ स्थित है? से आंसर है दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। ओके, ऑप्शन ए इसका से आंसर होगा, तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द लास्ट सफर एक पेंटिंग का नाम है, जैसे मोनालिसा पेंटिंग इस तरह का एक पेंटिंग है, द लास्ट सुपर ये किसके द्वारा किया गया था? से आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लियोनार्डो डा विंची। ओके, ऑप्शन बी इसका से आंसर है। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे? ओके, वो कौन थे दोस्तों? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। पुर्तगाल लोग थे। ओके, द पुर्तगीज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, मंडल आयोग की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास से जुड़ी है। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत की दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था? इनमें से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था? से आंसर है दोस्तों लोधी वंश। ओके, ऑप्शन डी इसका से आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, वस्तु की मांग का मतलब क्या है? ओके, डिमांड फॉर कमोडिटी इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन बी इसका से आंसर हो जाएगा, यानी इन सब। ओके, इन सभी को पढ़ डालिए, ये सब इसका से आंसर होगा। ओके, ऑप्शन बी इसका से आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रदान किया जाता है? ओके, इनमें से किस खेल के लिए इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, महिला हॉकी। ओके, वुमेन्स हॉकी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाले दोस्तों, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? ओके, ये जो विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों, हम्पी में स्थित है। ओके, हम्पी कहाँ है दोस्तों? ये कर्नाटका में है। ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था? ओके, इनमें से किसकी विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्रिप्स मिशन। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, किस संविधान संशोधन के जरिए नगर पालिका विधेयक को पारित किया गया था? ओके, इनमें से किस संविधान संशोधन के जरिए? सही आंसर है ऑप्शन बी। ओके, 74 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, वीडियो को बार बार मैं पॉज कर रहा हूं क्योंकि जीके का सवाल सिर्फ ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, शब्द चौथा जागीर किसके लिए प्रयुक्त होता है? ओके, ये जो शब्द है चौथा जागीर ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? से आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, ये मुद्रणालय। ओके, ऑप्शन सी यानी द प्रेस एंड न्यूज पेपर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चौथा जागीर यानी फोर्थ एस्टेट। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान ये कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ये दोस्तों कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये पटियाला में स्थित है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, आपको अगर किसी सवाल गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसको मैं कन्फर्म करके आपको वहीं पर आंसर दे दूंगा। ओके, विटामिन डी के अभाव से कौन सी बीमारी होता है? ओके, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी के द्वारा कौन सा बीमारी होता है? ऑप्शन डी से आंसर होगा दोस्तों, सुखंडी यानी रिकेट्स बीमारी होता है विटामिन डी के अभाव के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान कप्तान कौन है? से आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ओके, यानी मिथाली राज। ओके, ऑप्शन सी इसका से आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, अशोक मेहता समिति जिसने हमारा संविधान में पंचायती राज को शामिल किए जाने की सिफारिश की थी ये किस वर्ष गठित हुई थी? ओके, अशोक मेहता समिति ये किस वर्ष गठित हुई थी? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, 1978 को। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? सही आंसर होगा दोस्तों, आसान सवाल है, यूएसए का ये स्पेस एजेंसी है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ओके, इनमें से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? सही आंसर है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इस शिफ्ट के सारे जीके के सवाल खत्म हो गए। चलिए और एक शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर अब डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये एग्जाम हुआ था 30 मार्च 2019 को 9:30 बजे जो एग्जाम हुआ था उसी के आंसर की है।
ओके दोस्तों, चलिए पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार ये डिस्कवर किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है? से आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोपरनिकस ने ये डिस्कवर किया पहली बार। ऑप्शन डी इसका से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, बिग बैन कहाँ पर स्थित है? ओके, बिग बैन ये कहाँ पर स्थित है? से आंसर हो जाएगा दोस्तों लंदन में स्थित है। ऑप्शन डी इसका से आंसर है। आसान सवाल था, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है ये वाला ट्रॉफी, वर्ल्ड ट्रॉफी? ओके, WADE वर्ल्ड ट्रॉफी, इनमें से किस खेल से संबंधित है? से आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। ओके, भारत के संविधान की केंद्रीय राज्य सूची को किस देश से लिया गया है? यानी दोस्तों यूनियन स्टेट्स लिस्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन किस देश से लिया गया है? से आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कनाडा देश से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका से आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। टाइगर वुड्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? ओके, टाइगर वुड्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? से आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक गोल्फ खेल से संबंधित हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके द्वारा प्रबंधित होता है? ओके, बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके द्वारा प्रबंधित होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी RBI के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों एफिल टावर ये कहाँ स्थित है? आसान सवाल है, ये पेरिस में स्थित है। ओके, फ्रांस का राजधानी पेरिस में स्थित है एफिल टावर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अनिर्बान लाहिड़ी ये किस खेल से संबंधित है? बताइए अनिर्बान लाहिड़ी, से आंसर होगा दोस्तों ये एक गोल्फ खेल से संबंधित है, यानी दोस्तों ये एक गोल्फर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ओके, मुगल साम्राज्य का दोस्तों संस्थापक ऑप्शन बी बाबर से आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, चंडीगढ़ निम्न में से किस तलहटी हिस्से में बसा है? ओके, इनमें से किस तलहटी हिस्से में बसा है? से आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, शिवालिक पहाड़ी। ओके, शिवालिक हिल्स इसका से आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन को देख लीजिए ठीक से, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ओके, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? से आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट इसका से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ओके, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स इसका से आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है? ओके, काफ़ी आसान सवाल है, वाइस प्रेसिडेंट इसका से आंसर हो जाएगा, यानी उपराष्ट्रपति से आंसर है। नेक्स्ट सवाल है जीके से, निम्नलिखित में से किसने 1881 में वर्नाक्यूलर फ्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया? बताइए से आंसर क्या होगा। निम्न में से किसने 1881 में वर्नाक्यूलर फ्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, लॉर्ड रिफोन ने। ओके, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा मंदिर ओडिशा में स्थित है? पुरी जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोणार्क मंदिर भी स्थित है, साथ साथ जगन्नाथ मंदिर भी स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष हैं, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन? दोस्तों ये राज्यसभा के हैं। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 46, ऊनी कपड़े सूती कपड़ों से गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि वे ताप के बुरे चालक होते हैं। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, विटामिन की खोज किसने की? से आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कैसिमिर फंक। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज की। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? से आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री होता है। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो होने वाला है उसका मास्कट क्या होगा? से आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ओके, उसका मास्कट होने वाला है मिराटोवा। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, इसको रट लीजिए। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि ये कहाँ पे स्थित होता है? गर्दन में स्थित होता है, यानी नेक में स्थित होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों इस शिफ्ट के सारे सवाल खत्म हो गए, चलिए और एक नया शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर अब डिस्कस करते हैं, इसमें आए हुए सारे जीके के सवाल। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चिकनकारी कढ़ाई का काम की शुरुआत निम्नलिखित में से किस शहर से हुई थी? दोस्तों किस शहर से हुई थी? से आंसर है लखनऊ शहर से हुई थी। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हॉकी से संबंधित कोई ट्रॉफी या कप नहीं है। ओके, इनमें से कौन हॉकी से संबंधित कप नहीं है। सही आंसर है दोस्तों नारंग कप। ओके, नारंग कप हॉकी से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये बैडमिंटन से संबंधित है। ओके, किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वाटर का यानी पानी का दोस्तों पीएच क्या होता है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ओके, 7 होता है वाटर का पीएच। बढ़ते हैं नेक्स्ट, साजन प्रकाश निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। ओके, साजन प्रकाश निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्विमिंग यानी दोस्तों तैराकी खेल से संबंधित हैं साजन प्रकाश। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, गांधी द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर में सत्याग्रह सभा गठित की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन डी, बम्बई शहर में। ओके, मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जी वी के राव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। ओके, सही आंसर है ऑप्शन सी। ओके, पंचायती राज से संबंधित हैं जी वी के राव समिति, ऐसा समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। ओके, सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनका राष्ट्रपति भी पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री भी पूछा जा रहा है, और कभी कभी दोस्तों उनका राष्ट्रीय खेल भी पूछा जा रहा है। ओके, इसलिए इस टॉपिक को ठीक से पढ़ करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी। ओके, सिरिसेना, बस इसको याद रखिए, सिरिसेना श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस भवन को 1911 में किंग जॉर्ज की भारत यात्रा की यादगार निशाने तौर पर बनाया गया था। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, किस भवन को, ऑप्शन सी गेटवे ऑफ इंडिया। इसको दोस्तों किंग जॉर्ज की भारत यात्रा की यादगार निशानी के तौर पर बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का मतलब कि राज्य का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य का राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है। ओके, राष्ट्रपति शासन के दौरान गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा शासन चलाया जाता है राज्य में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था। सही आंसर है ऑप्शन डी, नील आर्मस्ट्रांग। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस साल में हुआ था। दोस्तों सही आंसर होगा 1951 टू 1956, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, कौन सी संख्या, माफ करना ये मैथ का सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ओके, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल से संबंधित है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड विलिस्ली, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, फिरोज शाह कोटला मैदान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। फिरोज शाह कोटला मैदान, सही आंसर ऑप्शन सी, ए क्रिकेट खेल से संबंधित है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारत में पहली कागजी मुद्रा कब आरंभ हुई थी। ओके, भारत में पहली कागजी मुद्रा कब आरंभ हुई थी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 1861। इसको याद रखिएगा, 1861 को भारत में पहली कागजी मुद्रा आरंभ हुई थी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी उस दिन से जिस दिन वो कार्यभार ग्रहण करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये कन्फ्यूजिंग सवाल है, इसको ठीक से पढ़ लीजिए और एक बार। भारत में दक्षिण भारत का अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है। ओके, भारत में दक्षिण भारत का अन्न भंडार किसे कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों तंजावुर। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, सामान्य जुकाम के उपचार के लिए दिए जाने वाला विटामिन कौन सा है। ओके, सामान्य जुकाम के लिए दोस्तों कौन सा विटामिन दिया जाता है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, विटामिन सी। ओके, कॉमन कोल्ड के ट्रीटमेंट के लिए विटामिन सी दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम फिल्म निर्माता कौन है। दोस्तों उनका नाम है ऑप्शन ए में, किसका नाम है, सत्यजीत राय। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये पहला फिल्म मेकर है जिनको कि भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर,
चलिए दोस्तों, इस शिफ्ट के भी सारे जीके के सवाल खत्म हो गए और एक नया शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर चलिए अब डिस्कस करते हैं। ओके, इस शिफ्ट का दोस्तों पहला सवाल है, अंकोर वाट ये जो टेम्पल है ये कहाँ स्थित है। ओके, ये जो अंकोर वाट मंदिर ये किस देश में स्थित है, से आंसर होगा दोस्तों कैम्बोडिया में स्थित है। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न खेलों में से किसके साथ ज्यूल्स रिमेट कप का संबंध है। ओके, इनमें से किसके साथ ज्यूल्स रिमेट यानी ज्यूल्स रिमेट कप किस खेल से संबंधित है, से आंसर है फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, से आंसर है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय प्रधानमंत्री ने सितंबर 2018 में नई दिल्ली में किस स्टेडियम में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की। ओके, किस स्टेडियम में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की, से आंसर है ऑप्शन बी तालकटोरा स्टेडियम। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कितने सदस्य होते हैं, से आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 233। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। ओके, भारत का नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ओके, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन सी से आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के वर्तमान नेता कौन है। ओके, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा कौन है, से आंसर है ऑप्शन बी गुलाम नबी आजाद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इनमें से किस राज्य को पांच नदियों की भूमि कहा जाता है। ओके, इनमें से किस राज्य को पांच नदियों की भूमि कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा पंजाब को। ओके, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन थे, से आंसर है ऑप्शन ए सिंघा विष्णु। ओके, सिंघा विष्णु इसका सही आंसर होगा, पल्लव वंश के संस्थापक थे पल्लव विष्णु। नेक्स्ट सवाल, राज्य का दर्जा हासिल करने वाला 25वां भारतीय राज्य कौन सा है, से आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गोवा। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को किस मामले में उनकी भूमिका के लिए फांसी दी गई, से आंसर है ऑप्शन ए लाहौर कंस्पायरेसी केस यानी दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, से आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद नंबर 66। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कम से कम व्यावसायिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना है, से आंसर है ऑप्शन सी सिलिकन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उत्पाद काली क्रांति से जुड़ा है। ओके, इनमें से किसका उत्पाद काली क्रांति से जुड़ा है, से आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कच्चे तेल का उत्पादन। ओके, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इसका सही आंसर होगा, इसको ब्लैक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, एशियाई खेलों के पूर्व विजेता गणपत राव अंडलकर किस खेल से जुड़े थे। ओके, गणपत राव अंडलकर किस खेल से जुड़े थे, से आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कुश्ती से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है। ओके, इनमें से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है, जैन धर्म से। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है दोस्तों, फोटोग्राफी में कौन से रसायन का प्रयोग होता है। ओके, इनमें से कौन सा रसायन का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। ओके, एक रॉकेट दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करता है, से आंसर होगा गति शक्ति का संरक्षण। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 जीता है। ओके, इनमें से किस देश ने जीता है, से आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रांस ने जीता है। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में अब सबसे ज्यादा बारिश होती है, से आंसर है दोस्तों मौसिनराम। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होता है। चलिए दोस्तों, इस शिफ्ट के भी सारे जीके के सवाल खत्म हो गए और एक नया शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर अब डिस्कस करते हैं। ओके,
सवाल है हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है। ओके, हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, निक्रोम से बना होता है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल को दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, एक राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं। ओके, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, विधानसभा के प्रति। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, बर्मा की मुद्रा क्या है। ओके, बर्मा की मुद्रा क्या है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, क्या। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसको भी रट लीजिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल है, साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ओके, साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं इंग्लिश में। सवाल है दोस्तों, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है। ओके, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में है मेगास्थिनिस, इसका सही आंसर हो जाएगा। मेगास्थिनिस इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है। ओके, भारत के संविधान संसदीय प्रणाली को दोस्तों ऑप्शन सी यानी ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, 18वें एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारत का कौन सा भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक था। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, रानी रामपाल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, खजुराहो भारत में, भारत के किस राज्य में स्थित है खजुराहो मंदिर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ये सवाल रिपीट हुआ है, सही आंसर होगा दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कभी नहीं किया है। ओके, इनमें से किसने भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मद्रास राज्य का नाम बदल करके तमिलनाडु कब रखा गया था। सही आंसर है 1969 को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओके, आप यहां पे देख सकते हैं कितना डीप से सवाल पूछे जा रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस से, रेलवे एग्जाम्स में स्पेशली। तो दोस्तों यहीं पे खत्म होते हैं इस शिफ्ट के सारे जीके के सवाल, और एक नया शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर अब चलिए डिस्कस करते हैं। इस शिफ्ट का दोस्तों पहला सवाल है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सी आंसर है ऑप्शन सी, 35 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। ओके, 35 वर्ष इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत के भ्रूण हत्या को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया था। किसने किया था, सही आंसर है दोस्तों बंगाल रेगुलेशन एक्ट। ओके, बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1795, इसको याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट वाले दोस्तों, अगस्त 2018 में सरकार को मेक इन इंडिया 5G रेडी रिपोर्ट सौंपने वाली संचालन समिति का नेतृत्व किसने किया। सही आंसर है ऑप्शन बी, ओके, आरोग्य स्वामी पाउलराज। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, इसको भी याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। सवाल है दोस्तों, केरल को और किस नाम से जाना जाता है। ओके, इनमें से और किस नाम से केरल को जाना जाता है। सही आंसर है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, यानी भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। ओके, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, फेड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ओके, फेड कप, FED फेड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, पहले बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। सही आंसर है दोस्तों टेनिस खेल से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, आर्यभट्ट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, आर्यभट्ट। नेक्स्ट सवाल है, भारत के बाहर भारतीय तिरंगे को फहराने वाली पहली महिला कौन थी। ओके, कौन थी वो। सही आंसर है दोस्तों भिकाजी कामा। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इन्होंने दोस्तों भारत के बाहर भारतीय तिरंगा को फहराने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित हुई थी। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित हुई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरत शहर में। ओके, गुजरात का सूरत शहर में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको भारत के संविधान की प्रस्तावना में जगह नहीं मिलती है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सबके लिए शिक्षा। इसको दोस्तों भारत के संविधान का प्रस्तावना में जगह नहीं मिलती है। ओके,
नेक्स्ट वाला है, किस रचना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था? ओके, इनमें से किस रचना के लिए मिला था? सही आंसर है गीतांजलि। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, सोडा वाटर का साइंटिफिक नेम क्या है? ओके, सोडा वाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही आंसर है कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न नृत्यों में से किसका जन्म तमिलनाडु राज्य में हुआ था? ओके, इनमें से किस नृत्य का जन्म तमिलनाडु राज्य में हुआ था? सही आंसर है दोस्तों कुम्मी नृत्य। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, कॉमनवेल्थ खेल प्रत्येक कितने वर्ष में एक बार आयोजित होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओके, चार वर्ष में एक बार आयोजित होता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश की मात्रा को मानव आंख में प्रवेश करते हुए नियंत्रित करता है? सही आंसर है आयरिस, ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा आयरिस। ये सवाल दोस्तों बार बार पूछा जा रहा है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यानी दोस्तों इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, किस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, बैडमिंटन खेल से संबंधित है थॉमस कप। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, भारत का निर्वाचन आयोग किसके चुनाव नहीं कराता है? ओके, इनमें से किसका चुनाव नहीं कराता है? सही आंसर है दोस्तों पंचायतों और राज्य की नगर पालिकाओं का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को मोहल्लों के शहर के रूप में जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा बताइए, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को मोहल्लों के शहर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों कलकत्ता को। ओके, वेस्ट बंगाल का कलकत्ता को कहा जाता है सिटी ऑफ पैलेस के नाम से। भारत, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अपने पद के लिए कितने बार चुनाव मांग सकता है? सही आंसर है दोस्तों अनगिनत बार। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, नेक्स्ट सवाल है, हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई? हॉकी इंडिया लीग का दोस्तों शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, यानी 2013 में हुई हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत। ओके, कौन सा आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन से संबंधित है? ओके, इनमें से कौन सा आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन से संबंधित है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा स्वदेशी मूवमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पटाखों के जलने से जो उत्पन्न होता है हरी लो यानी जो ग्रीन फ्लेम उत्पन्न होता है उसका कारण क्या है? दोस्तों उसका कारण है ऑप्शन डी बेरियम। ओके, बेरियम के कारण वो ग्रीन यानी हरी दिखाई देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, कश्मीर की किस नदी पर सलल बंद बना है? किस नदी पर सलल बंद बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी चेनाब नदी पर। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 84। ओके, इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों कॉमन सॉल्ट का साइंटिफिक नेम क्या है? सही आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, रग्बी लीग प्ले की दो टीमों में कितने खिलाड़ी शामिल होते हैं? सही आंसर है दोस्तों 13 खिलाड़ी। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की तीव्र वृद्धि के बारे में चर्चा की गई है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी दूसरा। ओके, दूसरा पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की तीव्र वृद्धि के बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, लाफिंग गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस माह में जारी की जाती है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अगस्त के माह में, यानी अगस्त के मंथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद ने। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
क्वेश्चन नेक्स्ट सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेवा की है? इनमें से किस प्रधानमंत्री ने की है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस क्षेत्र में बिरजू महाराज मशहूर थे? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ओके कथक नृत्य से बिरजू महाराज मशहूर थे। ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ओके इनमें से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस खेल में बोनस लाइन अंकित की जाती है? ओके इनमें से किस खेल में बोनस लाइन अंकित की जाती है, ऑप्शन डी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कबड्डी खेल में। ओके नेक्स्ट सवाल दोस्तों, रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? ओके रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, सही आंसर है दोस्तों 14वें। ओके ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 14th नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, अजंता पेंटिंग निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? सही आंसर है दोस्तों ये गुप्त काल से संबंधित है, यानी गुप्त पीरियड से संबंधित है अजंता पेंटिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, इस शिफ्ट के सारे सवाल खत्म हो गए, चलिए और एक नया शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। ये सवाल ये शिफ्ट है दोस्तों 1 अप्रैल का, ओके 1 अप्रैल जो थर्ड शिफ्ट के सवाल हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। इस शिफ्ट का पहला सवाल है दोस्तों, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? सी आंसर है राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। ओके नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न भारतीयों में से किसने फ्रांस के सोटेविले एथलेटिक्स मीट 2018 में एक स्वर्ण पदक जीता था? किसने जीता था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों नीरज चोपड़ा ने, ओके ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, चंद्रमा पर धरती की अपेक्षा वस्तु का वजन कम होता है क्यों? क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का बल पृथ्वी पर से कम है, ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, इसको ठीक से पढ़ डालिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ओके ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के संस्थापक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, कितने राज्य भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? ओके सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 4 राज्य भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वो 4 राज्य क्या हैं, ओके वो 4 राज्य कौन हैं जो कि भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं, ओके फटाफट बताइए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यूएन के घोषणा पत्र को किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? ओके यूएन का घोषणा पत्र को दोस्तों किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन सी 1945 को, ओके ऑप्शन सी सही आंसर है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है बताइए, विजय स्तंभ ये कहाँ स्थित है, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ओके ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, कहाँ पे दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ओके इसको इंग्लिश में टावर ऑफ विक्टोरी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, निम्न में से किसने होम रूल आंदोलन की 1916 में शुरू किया था? ओके इनमें से किसने शुरुआत किया था, आनी बेसंत इसका सही आंसर होगा, इन्होंने दोस्तों होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की थी, सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को कानून में प्रतिनिधित्व दिया? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कहा गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़ डालिए, हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, दूध में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला शक्कर निम्नलिखित में से कौन सी है? ओके दूध में जो शक्कर पाया जाता है दोस्तों ये निम्नलिखित में से कौन सी है, वो शक्कर सही आंसर होगा दोस्तों लैक्टोज, ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, इनमें से किस राजवंश का राज भारतीय इतिहास का सुनहरा काल माना जाता है? ओके बताइए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुप्त राजवंश, ओके ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से सतपुड़ा श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी धूपगढ़, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, महिला हॉकी विश्व कप 2018 निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? सही आंसर है नेदरलैंड टीम ने जीता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, होपमैन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है?
होपमैन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सी आंसर है टेनिस खेल से संबंधित है। ओके ऑप्शन ए इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला सोम बार्टर अर्थव्यवस्था किसका आदान प्रदान है? ओके बार्टर अर्थव्यवस्था किसका आदान प्रदान है? अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पीडीएफ को कैसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है कि इस वीडियो को मिनिमम 30 से 40 फ्रेंड के साथ शेयर करना है, यानी 3-4 ग्रुप में शेयर करना है, स्टडी ग्रुप में, आप उससे भी ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर सकते हैं जितने भी ग्रुप हैं आपके पास। और उसके बाद दोस्तों उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करने के बाद मैं आपको फ्री में सेंड कर दूंगा वहीं पर ही। ओके सी आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी वस्तुओं के लिए वस्तुएं। ओके ऑप्शन बी इसका सी आंसर होगा, गुड्स फॉर गुड सी आंसर है ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है भारत के संविधान में 1949 में कितने अनुच्छेद थे? सी आंसर क्या होगा बताइए, भारतीय संविधान में 1949 में कितने अनुच्छेद थे? सी आंसर होगा दोस्तों 395, ऑप्शन बी इसका सी आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 1972 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसकी वजह से की गई थी? सी आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से की गई थी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बताइए, सही आंसर क्या होगा, आसान सवाल है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति करता है। ओके नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? ओके सही आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों 25 साल। ओके मिनिमम आपको 25 साल होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे बताइए, सही आंसर क्या होगा, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी खड़क सिंह। ओके खड़क सिंह इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, फीफा विश्व कप 2018 में एडिडास गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे इसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी लुका मैड्रिक को। ओके लुका मैड्रिक को सम्मानित किया गया एडिडास गोल्डन बॉल पुरस्कार से। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कुचिपुड़ी एक प्रकार का नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है? उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नारायण सेतु पुल किस नदी पर बनाया गया है? ओके नारायण सेतु ब्रिज दोस्तों ये किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ओके नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? आसान सवाल है, 1919 को हुआ था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बंबई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में 1 मई को किस वर्ष 2 भागों में विभाजित किया गया था? सी आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1960 को। ओके इसको इंग्लिश में भी पढ़ डालिए, 1960 को दोस्तों बम्बई जो स्टेट ऑफ बम्बई को बाइफर्केटेड किया गया था महाराष्ट्र और गुजरात में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित कर दिया गया है? बताइए इनमें से किस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित किया कर दिया गया है? सी आंसर है ऑप्शन डी IDBI बैंक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारत के किस स्थान पर सूर्य मंदिर और काला पगोड़ा पाया जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कोणार्क मंदिर पर। जो कोणार्क में दोस्तों मंदिर है वो इसको सूर्य मंदिर भी कहते हैं, कोणार्क मंदिर भी उसको कहते हैं। ओके ये ओडिशा में स्थित है। ओके नेक्स्ट सवाल दोस्तों, एक लेंस की पावर को किस में मापी जाती है बताइए, सही आंसर क्या होगा, एक लेंस की पावर को किस में मापी जाती है? सी आंसर है दोस्तों डायोप्टर में मापी जाती है, ऑप्शन बी इसका सी आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? ओके केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री दोनों। ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, एशियाई खेल प्रत्येक कितने सालों में एक बार आयोजित किया जाता है? ये भी सही आंसर होगा, 4 साल में एक बार किया जाता है। ओके नेक्स्ट सवाल दोस्तों, संगीतकार जगन्नाथ को संरक्षण किसके द्वारा किया गया था बताइए, संगीतकार जगन्नाथ को संरक्षण किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी शाहजहां के द्वारा। ओके ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ आइसोपेरेन का बहुलक है? ओके इनमें से कौन आइसोपेरेन का बहुलक है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी स्वाभाविक रबड़। ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से
किस राज्य में भारत का सबसे लंबा नदी पुल बनाया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा, किस राज्य में भारत का सबसे लंबा नदी पुल बनाया गया था? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, असम में। ओके, असम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रसिद्ध खिलाड़ी माइकल जॉर्डन किसके साथ जुड़े हुए हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ये बास्केटबॉल खेल से जुड़े हुए हैं प्रसिद्ध खिलाड़ी माइकल जॉर्डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। पानी में दोस्तों कठोरता इनमें से किसका घुलनशील लवण के द्वारा होती है? बताइए पानी में कठोरता किस लवण का घुलनशील के वजह से होता है? सी आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी इसका सी आंसर होगा। चलिए और एक नया शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं आप। ये शिफ्ट हुआ था दोस्तों 2 अप्रैल को, ओके 4 बजे हुआ था, थर्ड शिफ्ट का सवाल है ये। ओके, वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? ओके, वर्तमान के विदेश मंत्री कौन है? सुषमा स्वराज, इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पहले नेता थे? ओके, इनमें से कौन राज्यसभा के पहले नेता थे? सी आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गोपाल स्वामी अयंगार। ओके, ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा, गोपाल स्वामी अयंगार। ओके, ऑप्शन ए इसका सी आंसर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, शरीर का ऊर्जा लगातार किससे बनती है? शरीर का ऊर्जा लगातार किससे बनती है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, पढ़ लीजिए इसको, एंजाइम की मदद से ग्लूकोज के स्तर के आधार पर जोड़ तोड़ना। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, थियोसोफिकल सोसाइटी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित थे? इनमें से कौन संबंधित थे थियोसोफिकल सोसाइटी से? सही आंसर है दोस्तों एनी बेसेंट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, एनी बेसेंट। भारत ने SAFF U15 चैंपियनशिप 2018 में कौन सा पदक प्राप्त किया? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ब्रोंज पदक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये भी करंट अफेयर का सवाल था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बायोगैसों का मिश्रण है जिसमें क्या उच्चतम प्रतिशत पर रहता है? सही आंसर है दोस्तों नाइट्रोजन, आसान सवाल था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओके, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? बताइए चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? सी आंसर है ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा ने। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, दोस्तों नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा हिस्सा है जो चट्टानों, पहाड़ों और मिट्टी से बना है? सी आंसर है ऑप्शन बी, स्थल मंडल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, स्थल मंडल यानी इंग्लिश में बोले तो लिथोस्फीयर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए फेड कप शुभारंभ कब किया गया था? सी आंसर है दोस्तों, फेड कप का शुभारंभ ऑप्शन सी 1963 में किया गया था। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, बेसबॉल में 2 विरोधी टीमों में कितने सदस्य होते हैं? ओके, सी आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी सिर्फ 9 खिलाड़ी होते हैं। ओके, प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, बिटुमेन का क्या उपयोग है? ओके, बिटुमेन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सड़क के निर्माण के लिए। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सड़क के निर्माण के लिए बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 6 मौलिक अधिकार। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वाले सो, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? सी आंसर क्या होगा बताइए, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, शेर शाह सूरी। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से क्या M3 भी कहा जाता है? ओके, इनमें से किसको M3 भी कहा जाता है? सी आंसर ऑप्शन बी, नीरो मनी। ओके, नीरो मनी को M3 कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए सही आंसर क्या होगा, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। ओके, राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सारे के सारे, पोंगल भी मनाया जाता है, मकर संक्रांति भी मनाया जाता है और लोहड़ी पर भी मनाया जाता है। ओके, सारे के सारे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, व्हिच रिवर इज नोन एज बिहार सरो, यानी बिहार का सरो किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा,
कोसी नदी को। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में छऊ किसका एक पारंपरिक प्रकार है? सही आंसर है दोस्तों नृत्य का। ओके, ये नृत्य का एक पारंपरिक प्रकार है छऊ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है? नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, पुणे में स्थित है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल है, एलन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ओके, एलन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आइस हॉकी से। ओके, आइस हॉकी खेल से संबंधित है एलन कप, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल है, मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर होगा दोस्तों कालिदास। ओके, मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन थे? कालिदास। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, अकबर ने पंचमहल इनमें से किस शहर में बनवाया था? अकबर ने पंचमहल दोस्तों इनमें से किस शहर में बनवाया था? उस शहर का नाम है फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग 2018-19 ये कितने नंबर का सीजन था? इसका जो कितना नंबर का सीजन था, सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, छठा। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, साइखम मीराबाई चानू, और दोस्तों इनके साथ साथ विराट कोहली को भी प्राप्त हुआ था। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध आपका ना, ये रीजनिंग का सवाल है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, हीराकुद बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? ओके, हीराकुद बांध निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर बनाया गया है? सही आंसर होगा, महानदी के ऊपर। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल है, एक्यूपंक्चर का अर्थ क्या होता है? ओके, व्हाट इज एक्यूपंक्चर? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुई का चिकित्सा पूर्वक चुबन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, थर्मोस्टेट ये एक उपकरण का नाम है, इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, तापमान में परिवर्तन का पता लगाएं और काफ़ी समय तक सिस्टम में तापमान को बनाए रखें। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में इनमें से कोई एक जारी कर सकता है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, रिट जारी कर सकता है। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर ये कहाँ स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। ओके, बार बार सवाल पूछा गया है ये वाला। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, साउथ अफ्रीका का करेंसी क्या है, यानी दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है? सही आंसर है दोस्तों रैंड। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आर ए एन डी, रैंड साउथ अफ्रीका का करेंसी का नाम है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, आनंद मठ का ये जो एक पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, आनंद मठ के लेखक कौन है, लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरी गागारिन। ओके, इनमें यूरी गागारिन अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु क्या है, यानी दोस्तों उनका रिटायरमेंट का एज क्या है? सही आंसर है दोस्तों 62 वर्ष, यानी 62 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, विश्व मामलों की भारतीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? विश्व मामलों की भारतीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? इसको इंग्लिश में भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। ओके, वाइस प्रेसिडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, परमाणु के नाभिक में क्या शामिल होता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से की जाती है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। ओके, इसको भी ठीक से पढ़ डालिए। नेक्स्ट वाले दोस्तों, बायोलॉजी से, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, कलेजा। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, क्रिप्स मिशन भारत का दौरा कब किया था? क्रिप्स मिशन भारत का दौरा कब किया था? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 1942 को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चार मीनार एक विशाल इमारत है जिसे किसके द्वारा बनाया गया था, बताइए इससे आंसर क्या होगा? दोस्तों इसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ओके, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इनमें से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट सवाल है, मोहिनी नाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी नाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? सी आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए केरला का है। ओके केरला का ऑप्शन ए इसका सही आंसर, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ओके राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ओके उपराष्ट्रपति ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कोंडापल्ली जो खिलौने के लिए प्रसिद्ध है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोंडापल्ली से आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, काफी में कौन सा महत्वपूर्ण पदार्थ होता है? सही आंसर क्या होगा बताइए, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण पदार्थ काफी में होता है? कैफीन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ओके कैफीन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा सचिवालय व्यास के प्रत्यक्ष सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है? सही आंसर क्या होगा बताइए, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किसी 2020 क्रिकेट मैच एक गेंदबाज द्वारा अधिकतम कितने ओवर फेंके जा सकते हैं? एक गेंदबाज द्वारा कितने अधिकतम ओवर फेंके जा सकते हैं? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 4 ओवर। ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत में पहला मुसलमानी हमलावर कौन था? ओके भारत में पहला मुस्लिम इन्वेडर कौन था? सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी मोहम्मद बिन क्वासिम। ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, अपन्ना पोपट एक प्रसिद्ध भारतीय मतलब किस खेल से ये संबंधित हैं? सही आंसर क्या होगा बताइए, अपन्ना पोपट सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये बैडमिंटन एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था? ये सवाल भी बार बार पूछा गया है, 1942 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए और एक शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आप डिस्कस करते हैं। ये शिफ्ट है दोस्तों 3 अप्रैल का। ओके ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर है। दोस्तों पहला सवाल है, केंद्रीय खनन अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों धनबाद। ओके धनबाद किस राज्य में स्थित है? ये अगर पूछा जाए तो झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके झारखंड में स्थित है धनबाद। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एड्स में एस का विस्तार रूप क्या होता है? ओके एड्स में एड्स का विस्तार रूप क्या होता है? सही आंसर होगा सिंड्रोम। ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, साइमन कमीशन को व्यास के कार्यकाल के दौरान नियुक्त किया गया था? सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान नियुक्त किया गया था साइमन कमीशन को। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबार में कवि थे? सही आंसर है ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, टेस्ट मैच क्रिकेट में शतक बनाने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, लाला अमरनाथ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। काफी डिफिकल्ट सवाल है दोस्तों, इसको ठीक से रट करके जाइए। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कोणार्क मंदिर किस वंश के नरसिम्हा ने बनाया था? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ओके गंगा राजवंश, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इनमें से कौन एक फिजिकल चेंज यानी एक भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन है दोस्तों ऑक्सीडेशन, सब्लिमेशन, डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ओके सब्लिमेशन ये एक भौतिक परिवर्तन है। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, वायुमंडलीय नमी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ओके हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये सवाल भी बार बार पूछा गया है, 35 इसका सही आंसर होगा। ओके 35 साल मिनिमम होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति का सरकारी आवास का नाम क्या है? व्हाइट हाउस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेपानगर इनमें से किस उद्योग से संबंधित है? नेपानगर सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अखबारी कागज, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अखबारी कागज से संबंधित है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कथकली नर्तकी हैं? ओके, कौन एक इनमें से कथकली नर्तक हैं? सी आंसर है ऑप्शन ए कलामंडलम गोपी। ओके, इनको याद रखिएगा, कलामंडलम गोपी इसका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में वर्षा के लिए सबसे अधिक प्रभावी बरसाती पवन निम्न में से कौन सा है? सी आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिमी बरसाती पवन, ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्न संवैधानिक धाराओं में से कौन नगर पालिकाओं की व्याख्या करती है? बताइए सही आंसर क्या होगा। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, ओके, अनुच्छेद 233P इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्न खेलों में से किसके साथ ये सब जो है बिशप का संबंध है? ओके, निम्न खेलों में से किसके साथ ये जो शब्द है बिशप का संबंध है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, शतरंज खेल से संबंधित है। ओके, चलिए दोस्तों और एक नया शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ग्राफाइट किससे बना होता है? सी आंसर है दोस्तों ये कार्बन से बना होता है। ओके, ऑप्शन डी इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन डी इसका सी आंसर होगा, 5 वर्ष होती है भारत के राष्ट्रपति पद की अवधि। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, जदुगुड़ा खान, ओके, जदुगुड़ा खान किसके भंडार के लिए प्रसिद्ध है? जदुगुड़ा खान दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ओके, इसको याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है क्लोरीन रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ब्राबोन स्टेडियम इनमें से किस शहर में स्थित है? बताइए सही आंसर क्या होगा, ब्राबोन स्टेडियम इनमें से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मुंबई शहर में स्थित है ब्राबोन स्टेडियम। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय ये ऑप्शन सी यानी राजगीर में स्थित है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस देश ने सर्वाधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है? इनमें से किस देश ने सर्वाधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्राजील ने। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मौद्रिक नीति को निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है? ओके, जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है यानी मौद्रिक नीति होता है, इसको कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सेंट्रल बैंक करता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अगर धरती के घूमने की गति को बढ़ाया जाए तो शरीर का वजन में क्या प्रभाव पड़ेगा? सी आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हमारा शरीर का वजन घट जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, करो या मरो ये जो नारा ये किसने दिया था? सी आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने दिए थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और कौन शामिल होते हैं? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, और 30 न्यायाधीश शामिल होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जी कैसे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, भारत का बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, बेंगलोर को कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत के अल्पकालीन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? सही आंसर क्या होगा बताइए, किसने कार्य किया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, गुलजारी नंदा ने। ओके, गुलजारी लाल नंदा ने किया। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जी करते हैं। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सही आंसर है ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया इनमें से किस शहर में स्थित है? बताइए गेटवे ऑफ इंडिया इनमें से किस शहर में स्थित है? सी आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ये मुंबई शहर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट वाले दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है? ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोकसभा। ओके, लोकसभा इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है?
ओके, किस खिलाड़ी को विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है? सही आंसर है ध्यानचंद, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बना गया है? ओके, इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पेरियार नदी। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, अधिरक्त स्राव एक अनुवंशिक अव्यवस्था है जिसके कारण क्या होता है? दोस्तों इसके कारण रक्त का अंचन न होना, ओके, यानी नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी सही आंसर है।